हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ, जयपुर में, और पढ़ाती हूँ कहाँ, आपको आपके घर आकर। और ये क्या है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप कोई भी समस्या हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप ओनली। और अगर मेरी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जैसे कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं साउथ से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, अलग अलग शहरों के बच्चे, आप भी पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम में 100% मार्क्स की गारंटी तो मैं देती हूँ। कुछ गलती लिखने में करी तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपकी कॉपी देख नहीं पाती हूँ। बाकी बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे और खेल खेल में समझा देंगे। फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज है नईदीप मणिका क्लास 8 संस्कृतम के लिए, चंद्रगुप्त से न्याय। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त को खोज निकाला था। गुणों की पहचान बचपन में ही हो जाती है बच्चे, आपके गुणों को पहचान जाते हैं हम लोग। इसका पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद और पाठ पर आधारित जो अभ्यास कार्य है वो हम यहाँ देखेंगे। आगे बढ़िए, लीजिए शुरू कर दिया लेसन। ये बच्चे बात करें पर मैं हमारा अंदर चश्मा तो लगाई है, बिना चश्मे के कैसे पढ़ाई हो सकती है। ये अब दृष्टि सुधरी। तन्मय और प्रणय, ये दो बच्चे बात कर रहे हैं। एतत् त्वं किं करोषि, यह तुम क्या कर रहे हो। किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो। अहम चित्रम रचयामि, मैं चित्र रच रहा हूँ या बना रहा हूँ, ये कह सकते हो मैं चित्र बना रहा हूँ। एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। एतत् शब्द नपुंसक लिंग है, क्यों, क्योंकि चित्रम भी नपुंसक लिंग है ना। एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। किम, तुम जानते हो चाणक्य को, टीवी पर बड़े सीरियल वीरियल भी आ चुके हैं, और ये महाराज चंद्रगुप्त जो मगध नरेश थे उनके गुरु थे बच्चा। किम तुम जानासी, क्या तुम जानते हो, जानासी माने जानते हो। जब बच्चे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे पूरा पूरा हिंदी अर्थ लिखते जाते हैं, मत लिखा करो बस, जो न्यू वर्ड आपको लग रहा है वही लिखो। क्या तुम जानते हो चाणक्य कहाँ आसीत, कौन थे चाणक्य, कौन थे। हाँ, दूरदर्शन से कार्यक्रम में, दूरदर्शन के, खाली विभक्ति लिख लो, दूरदर्शन तो लिखा हुआ है, कार्यक्रम में। अहम चाणक्य नाटक में पश्यत, मैंने चाणक्य नाटक देखा, भूतकाल है ये, देखा लिंग लकार। सह एव चाणक्य, वही चाणक्य, सह मने वह, एव मने ही, वही चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अक्रोत, उन्हीं वही चाणक्य या उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, अक्रोत मतलब बनाया। अब देखो प्रथमा विभक्ति है तो वह भी हो सकता है और उसी भी हो सकता है, उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। प्रणय, चाणक्य से विषय किंचित वद। अब तन्मय प्रणय से कहता है, चाणक्य के विषय में कुछ बोलो, तुम भी तो कुछ बताओ भाई, तुम क्यों चुप चुप बैठे हो, कुछ बोलो। कस्मिंश्चित ग्रामे गोपालका धेनु वने चारयितुं तो मन्यत, कस्मिंश्चित माने किसी किसी वन में, गांव में, ग्रामे माने गांव में, गोपाल का माने ग्वाले, जो गाय पालते हैं, ग्वाले, गाय चराने, वन में चराने के लिए ले गए, अनयन ले गए, नी धातु है बेटा, नी माने ले जाना, नयति ले जाता है, अनयन ले गए, भूतकाल है, नयंती का लंग लकार अनयन, चराने के लिए तुमुन प्रत्यय है तो के लिए अर्थ निकलेगा। तदा ते वाला, तब वे बच्चे वहां छोड़ देते थे गायों को और बच्चे खेलने लगते थे। राजा राजा इति क्रीडितुम आरम्भ, राजा राजा इस प्रकार खेलना आरंभ कर दिया, आरंभ लिखा ना, आरंभ शुरू कर दिया। एक अनुभवत, एक राजा हो गया। द्वितीय अमात्या, दूसरा मंत्री हो गया। तृतीय सेनापति, तीसरा सेनापति हो गया। और शेष जो बच गए थे वो प्रजाजन हो गए। ऐसे खेलते हैं ना बच्चे स्कूल में, घर में, कई बार घर घर खेलते थे छोटे बच्चे, अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हैं, टीचर स्टूडेंट भी खेलते हैं, स्कूल घर में खूब लगाते हैं छोटे बच्चे, और शेष बच्चे प्रजाजन हो गए। आम आम, हाँ, वयम अपि एवं, हम भी इस प्रकार, एवं माने इस तरह, इस प्रकार। अध्यापक अध्यापक, माता बालक च क्रीडम, टीचर टीचर और मम्मी बच्चा भी खेलते हैं, हम लोग भी ऐसा खेल खेलते हैं। ये रोल प्ले वाले गेम्स बहुत अच्छे होते हैं मेरा, बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें रोल प्ले कहते हैं। तो प्रणय कहता है, तदा एव तत्र द्वे महिले आगच्छताम, तदा एव, तब ही, इसे ही मिला के हिंदी में हम कहने लगे, तभी वहां दो महिलाएं आईं, भूतकाल है ये सब, तभी वहां दो महिलाएं आईं। एकस्या, एक की, अंके गोद में, अंक माने गोद होता है, अंक माने चिन्ह भी होता है, एक शिशु था, एक की गोद में एक शिशु था। नृपा पृच्छत, राजा ने पूछा, युवाम किमर्थम आगच्छत, तुम लोग किस लिए आई हो, क्यों महल में घुसे चले आ रहे हो। महल था नहीं, लेकिन बच्चे रोल प्ले कर रहे थे गांव के, मुझे लगता है इन बच्चों के खेल से गांव के लोगों को पता होगा। तो वे लोग वहां पर जब इस तरह का खेल होता होगा तो गांव के लोग अपना
मुकदमा भी सॉल्व कराने आ जाते होंगे क्योंकि बच्चे की प्रसिद्धि होगी इस मामले में। एका महिला वदत, एक महिला बोली, राजन इयम मम सेविका अस्ति, यह मेरी सेविका है, मेरी दासी है, बच्चे को देखभाल के लिए रखा होगा। अधुना एषा, अब एषा यह मम शिशु, मेरे शिशु को, स्वशिशु कहती है, अपना बच्चा बता रही है, बच्चा हिल गया है, उसकी गोद में जा रहा है, उसे प्यार भी कर रहा है, तो वह अपना बच्चा बता रही है। दयानिदान, हे दयानिदान, दयाम करो, दया करो, न्याय करो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था उस जमाने में, डीएनए टेस्ट नहीं होता था भाई, बच्चा दोनों स्त्रियों के गोद में जा रहा था, कैसे पहचाने? देखो, अहो तदा किम अभवत, तब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग, क्या हुआ? तदा ते नपह ते महिले ध्याने न पश्यत, तब राजा ने उन महिलाओं को ध्यान से देखा और बोला, एकदम से तुरंत न्याय सुना दिया। शिशो दो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच, शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा उन्हें दे दो, उन्हें दे दो। जैसे ये घोषणा करी तो तन में किम सा शिशो खंडे अग्रोत, क्या उसने बच्चे के टुकड़े कर दिए? नहीं, यावत ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन, जब वे टुकड़े करने के लिए उठे, करणाय करने के लिए उठे, ऐसे में क्या होगा, जो असली माता है वो पहले रो पड़ेगी और जो दूसरी है वो खड़ी रह जाएगी। उठे तावत अन्य महिला, तब अन्य महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी। अवद अच्छा और बोली, राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज भगवान शिशुम तस्यै एव यच्छतु, आप बच्चा उसे ही दे दीजिए, आप बच्चा उसे ही दे दीजिए, यच माने देना, उसे ही दे दीजिए। शिशो खंडे माँ करो तू, बच्चे के टुकड़े मत करिए, माँ माने मत, ये माँ थी, बच्चा जीवित तो रहे भले ही उसकी गोद में रहे, ये भावना थी, और दूसरी खड़ी रही, उसका तो कुछ जान ही ना था। ना, जब वे टुकड़े करने के लिए उठे तभी अन्य महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज आप शिशु को उसे ही दे दीजिए, शिशु के टुकड़े मत कीजिए। आगे देखो, आगे बेटा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो भाई इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पढ़िए लेकिन सब्सक्राइब करके पढ़िए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े तो मेरा भी मॉरल हाई हो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर डालो। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊं कि आपके अलग से प्लेलिस्ट है, रुचिरा आनंदम दिव्यम नई दीपमणिका प्लेलिस्ट, हमेशा सर्च कीजिए और उसमें अपने काम के सब वीडियो दिखे। इसके अलावा ग्रामर प्लेलिस्ट भी देखिए, ग्रामर के सब वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चंद्रगुप्तस्य न्यायः पढ़ रहे हैं आप। ततस्ततः किम, ततः ततः ये विसर्ग का सा हो गया, फिर क्या हुआ? तदा नपह क्रुध्यन अवदत, तब राजा गुस्सा होते हुए, क्रोध करते हुए बोले, क्रोध करते हुए, क्रुध्यन क्रोध करते हुए, पठन पढ़ते हुए, हसन हंसते हुए, क्रीडन खेलते हुए, अमात्य मंत्री सैव, सा प्लस एव, दी वृद्धि संधि हो रही है, सा प्लस एव, वही शिशु की माता है, वही शिशु की माता है, तस्यै बालकम यचो, से ही बच्चा दे दो। अन्याया और अन्य का सिर काट दो, शिरच्छेदनम कुरु, और दूसरी का, अन्याया दूसरी का सिर काट दो। किम जाने फिर तदा किम अभवत, क्या जाने फिर क्या हुआ, मतलब यहीं तक की कहानी है, मामला सुलझ गया, मसला पूरा हल हो गया, है ना। स्कूल में भी जब बच्चे एक पेंसिल या एक रबर के लिए, छोटे बच्चे कहते हैं ना मेरी है मेरी है, तो मैं भी यही कहती थी, लो दो टुकड़े करके दे देते हैं, तो जिसकी पेंसिल होती थी वो रो देता था, नहीं मैं मत तोड़ो, दूसरा बैठा है उसे आधी तो मिलेगी, बस इसी से फैसला हो जाता था कि किसकी पेंसिल है ना। इंटरेस्टिंग, बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ना अहम ना जानामि, नहीं मैं नहीं जानता फिर क्या हुआ। एका नरा तत्र एतत् सर्वम अपश्यत, एक आदमी वहाँ यह सब देख रहा था, एक आदमी वहाँ यह सब देख रहा था। स तस्य बालकस्य न्यायम दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, वह उस बच्चे का न्याय देखकर विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हैरान रह गए, इतना छोटा बच्चा क्या न्याय किया इंस्टेंट बिल्कुल। सह बालकस्य मातुः समीपं गत्वा वदत्, वह बच्चे की माता के, माँ के समीप जाकर, गत्वा माने जाकर बोले, देवी स्वबालकं मह्यं यच, अपना बालक मुझे दे दो। अहम इमं पाठयित्वा, मैं इसको पढ़ा कर तैयार करके राजा बनाऊंगा। सह बालका चंद्रगुप्त आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त था और वह नर चाणक्य था, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य,
इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की एक महान ग्रंथ की भी रचना की थी, और यही प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, राजा नल को पराजित किया। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इनके चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक, ये भाई इतिहास में पढ़ाया जाता है। अब हम आ गए हैं इस पाठ के प्रश्न कार्य पर, सारे प्रश्न कार्य हम करेंगे अब। प्रणय कस्य चित्र हमारे चाहिए, प्रणय किसका चित्र बना रहा था? चंद्रगुप्त से। कहानी पढ़ ली है तो उत्तर लिखना बहुत आसान है। और स्य क्यों लगाया? क्यों भाई? क्योंकि प्रश्न की विभक्ति और उत्तर की विभक्ति तो सेम ही होती है ना। गोपाल का धेनु कुत्र नयन कहाँ ले गए थे? वन में ले गए थे, मॉल में थोड़ी ले गए जाते हैं। वने वने वाला किम कर तुम आरभन, खेलने लग गए थे, क्रीडाम कर तुम आरभन। बालक से न्यायन दृष्टवा कह विस्मित, चाणक्य हो, चाणक्य विस्मित हो गया था, चाणक्य हो। सह बालक कहा सी, वह बालक कौन था? चंद्रगुप्त। वह बालक कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वाक्यों को शुद्ध करना है। ये देखो डार्क कलर से क्रिया छापी हुई है, क्रिया ही शुद्ध करनी है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ये नाइन जो मैं आपको कहती हूँ नवग्रह पूजन, ये नाइन प्लान को बना लेना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? बालका 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 यहाँ आता है, अक्रीडत तो यहाँ आता है, त ताम न तो ये होगा अक्रीडन। हमेशा ये नाइन नंबर डालो और फिर देखो कि आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे हवा में मत ढूंढना कभी भी, वो हमेशा गलत हो जाता है। महिला एक वचन है, यहाँ आता है, अपतताम तो यहाँ आता है, तो ये अपतत होगा, त ताम न, सब लंग लकार के हैं, अपतत। अहम, अहम आता है सेवेंथ प्लेस पे, अहम आवाम वयम, अपश्यत यहाँ आएगा, अपश्यम, त ताम न अहतम त म आवाम अपश्यम। देख रहे हो सारी विद्या याद है, वो तो बहुत अच्छा है, रूप याद है, लेकिन उनका प्रयोग करने की ट्रिक ये है। युवाम, युवाम आता है फिफ्थ प्लेस पे, अवधताम आता है सेकंड प्लेस पे, हमें फिफ्थ प्लेस चाहिए, ताम के नीचे तम आता है हमेशा, अवधतम। ग्रामर सेक्शन में देखिएगा, मैंने लंग लकार के प्रयोग पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, पुराने वीडियो हैं। तउ, सह तउ, यहाँ आता है तउ, अधावतम तो फिफ्थ पे आता है, यहाँ ताम आता है, त ताम, अधावताम। ये लीजिए, बहुत आसान होता है भाई, कायदे से काम किया जाए बस। अब प्रश्न निर्माण, प्रश्नोत्तर की विभक्ति सेम होती है, शिशु की, कस्य, चित्रम रचयति, किम रचयति, किम से प्रश्न बनेगा, प्रणय किम रचयति, चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त को राजा बनाया, यहाँ किम नहीं कम आएगा क्योंकि चंद्रगुप्त शब्द पुल्लिंग है, चंद्रगुप्त को कम, कह कम के इन कस्मै, तस्याः तो कस्याः क्योंकि स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति है, उसकी गोद में, किसकी गोद में, कस्याः, एकः नरः एकः कः प्रथमा विभक्ति है, चंद्रगुप्त आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त, वह बालक कौन था, कह, कह माने कौन। अब है भाई क्रियापदों के धातु लकार पुरुष वचन लिखिए, पहले हम सबकी धातु लिख लेते हैं। अपश्यम दृश्य धातु होती है, पश्य धातु नहीं होती बच्चा, क्रीडाम में क्रीड धातु है, हलंत लगाओ, करोतु में क्री धातु है, इसमें हलंत नहीं आएगा क्योंकि मात्रा लग गई, वदताम में वद धातु, इसमें हलंत आएगा। अब लकार अलगा है तो लंग लकार है, लंगड़े भूत की लाठी होता है ये, क्रीडाम लोट लकार है, तूतामंतु अतमत आनी आव आम करोतु, ये भी लोट लकार है और ये भी लोट लकार है भाई, तूतामंतु है ना इसलिए। अपश्यम उत्तम पुरुष है, क्रीडाम ये भी उत्तम पुरुष है, साथ ही ये भी लिख लो, उत्तम पुरुष एक वचन है, अक्रीडाम आव आम उत्तम पुरुष बहुवचन है, करोतु तूतामंतु प्रथम पुरुष है और एक वचन है, और वदताम ये भी प्रथम पुरुष है और ये द्विवचन है, तूतामंतु है ना, ये याद करके रखो, प्रत्यय बहुत काम आते हैं। अब है लिट लकार में बदलिए, तो हम फिर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिट लकार के रूप जरा सा याद करो, इष्यति इष्यता इष्यन्ति होता है ना। अक्रीडाम का क्रीडिश्यामा क्योंकि यहाँ आता है क्रीडाम। अब है आगच्छताम, यहाँ आता है आगच्छताम, तो आगमिष्यन्ति है, आगमिष्यतः द्विवचन है ना, सेकंड सेकंड प्लेस चाहिए हमको, आगमिष्यतः आगमिष्यतः।
अनमत एक वचन है, हमें फर्स्ट प्लेस चाहिए। नमनंस्यति, नमिष्यति नहीं होता बेटा, नंस्यति होता है, परिवर्तनशील धातु है, नंस्यति। आसीत, आसीत ही आता है फर्स्ट प्लेस पे, भविष्यति, भविष्यति। अपश्यत ये भी यहाँ आता है, तो द्रक्ष्यति होगा ये, पश्यति नहीं होता, द्रक्ष्यति होता है, ये भी परिवर्तनशील धातु है। इस पर लिटरेट लकार का मेरा वीडियो देखिएगा ग्रामर सेक्शन में। अकरोत सह, ये भी फर्स्ट प्लेस का चाहिए, करिष्यति, करिष्यति। अब है प्रकृति प्रत्यय विभाग, यानी धातु अलग करो प्रत्यय अलग कर दो। पठित्वा में पठ प्लस इक्त्वा, कृत्वा में क्री धातु इक्त्वा प्रत्यय, क्रीडितुम में भैया क्रीड धातु है और धातु में हलंत आएगा अगर लास्ट में मात्रा नहीं है तो, और तुमन प्रत्यय खेलने के लिए। गत्वा में गम धातु है, ग या गत लिख के मत आ जाना, गम धातु है, इक्त्वा प्रत्यय, कत्वा मत बोलिएगा, इक्त्वा। चार अहितुम में चर धातु है और तुमन प्रत्यय, दृष्टवा में दृश धातु है, ऐसे लिखा जाएगा दृश हलंत लगा के, और त्वा इक्त्वा प्रत्यय, और पाठ हितवा में पठ धातु है और इक्त्वा प्रत्यय। हालांकि इसमें एक प्रत्यय बीच में अनिच भी लग रहा है, पर अब आपको भी नहीं पता इसलिए नहीं बता रहे। आगे बढ़िए हिंदी से संस्कृत अनुवाद। दूध पीना चाहिए, यहाँ भी 1 2 3 सब में ये काम आता है, ये मेरी ट्रिक बहुत अच्छी है भाई, इसे फॉलो कीजिए। नवग्रह पूजन ऐसे बन गए, पंडित जी बनाते हैं, बच्चों को दूध पीना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं बालकाह, पीना चाहिए, विधि लिंग लकार है, दूध को पीना चाहिए तो दुग्धम हो जाएगा, और यह पीना चाहिए, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, लो हमेशा देख लो कर्ता और क्रिया किस पुरुष वचन के हैं। कल मेरा मित्र आया, आया था यानी यह भूतकाल है, यह आएगा यस्टरडे। मम मित्रम, आने का काम कौन कर रहा है, मैं या मित्र, मित्र, मित्र एक वचन है। दिल्ली से, ये पंचमी लगेगी क्योंकि दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली नगरात, जहां से अलग होते हैं उसमें पंचमी, दिल्ली नगरात। आया, आगच्छत, लंग लगा रहा है बेटा, आगच्छत, क्यों आगच्छत क्यों लिया, आगच्छन क्यों नहीं, क्योंकि मित्र एक वचन है। हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे, हमको कहते हैं वयम, ये नाइन्थ प्लेस पे आता है, और जाएंगे गमिष्यामी गमिष्यावः गमिष्यामः, तो पहले तो भाई यही लिख लो गमिष्यामः, जिससे कर्ता और क्रिया की गलती नहीं हो। अब दिल्ली घूमने के लिए चतुर्थी है, भ्रमण आए, श्रीनगर को जाएंगे, श्रीनगरम, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है श्रीनगरम। चाणक्य एक महान विद्वान और शास्त्री था, था को कहते हैं भाई आसीत, भूतकाल है। चाणक्य पुल्लिंग है तो चाणक्य लिख दो। अब जो हिंदी में लिखा है वही संस्कृत में आ जाएगा, एक महान में हलंत लग जाएगा, विद्वान विद्वान में हलंत लग जाएगा, अर्थशास्त्री ऐसे कैसे लिखा जाएगा, अब लगा देंगे और के लिए च और फिर लिख देंगे आसीत। मुश्किल थोड़ी है संस्कृत अनुवाद करना, बस स्टेप बाय स्टेप चलिए और देखते रहिए कि क्या है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, इस टेबल का हमेशा ख्याल रखिए। और तो अब हमारे पास क्या बचा, बस फिर से आपको याद दिलाऊं कि आपके काम की प्लेलिस्ट यहाँ पर है, इसके अलावा ग्रामर प्लेलिस्ट भी देखिएगा, उसका लिंक गिवन है नीचे, कहाँ ढूंढते फिरोगे, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं, बाय बच्चों।